हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान क्लास सिक्स मैथ्स चैप्टर टू होल नंबर्स एक्सरसाइज टू पॉइंट वन इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा क्वेश्चन वन है राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर वन ज़ीरो ट्रिपल नाइन तो यानी कि हम लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट तीन नंबर निकालने हैं नेक्स्ट तीन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा आपको इस तरीके से देखो वन ज़ीरो ट्रिपल नाइन है ना वन ज़ीरो ट्रिपल नाइन में आप वन ऐड करो तो क्या हो जाएगा ये नाइन प्लस वन टेन फिर कैरी बन जाएगा नाइन वन टेन फिर कैरी बन जाएगा फिर से टेन फिर कैरी वन ये वन और वन तो एक नंबर तो ये हो गया एक नंबर आपका ये हो गया फिर आप इस वाले नंबर में फिर से आप लोग वन ऐड कर दोगे जो आंसर आया है क्योंकि नेक्स्ट निकालना है ना फिर इसका फिर ये हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ठीक है तो दूसरा हो गया आपका वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन इसी तरीके से तीसरा निकाल दोगे जो ये वाला है इसमें वन ऐड करोगे फिर वन ऐड करोगे इसमें तो ये आ जाएगा टू ज़ीरो ज़ीरो वन वन तो क्या आ गया हमारे पास वन वन ज़ीरो ज़ीरो टू तो तीन नंबर क्या हो गए तो तीन नंबर जो हो गए हमारे पास वो हो गए वन वन ट्रिपल ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो टू ये तीन नंबर हो गए और हमने इस तरीके से ऐड करके निकाला है तो ये आ गए हमारे पास वन वन ट्रिपल ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन एंड वन वन ज़ीरो ज़ीरो टू ये मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं राइट थ्री होल नंबर्स अकरिंग बिफोर दिस तो बिफोर दिस है तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो चलिए करते हैं वन ज़ीरो 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 वन में से वन माइनस कर देते हैं ठीक है तो वन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन तो एक नंबर तो ये हो गया फिर इस नंबर के पहले तो टेन थाउजेंड है ना टेन थाउजेंड में से आप फिर से वन माइनस करेंगे तो आप किस तरीके से जाएंगे ये ज़ीरो था और वन से माइनस नहीं हो पाएगा तो हम कैरी लेते जाएंगे इस वन से कैरी लेंगे तो ये नाइन बचेगा है ना इधर और ये हो जाएगा हमारे पास इधर टेन फिर टेन कट के ये नाइन बचेगा और इधर कैरी जाएगा ये टेन फिर ये नाइन बचेगा और ये हो जाएगा टेन फिर ये नाइन बचेगा और ये वाला फाइनली टेन इस तरीके से तो माइनस करते हैं कैरी लेकर के तो टेन में से वन जाएगा तो बचेगा नाइन और ऊपर फिर सारे के सारे नाइन हैं है ना तो नाइन 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 फोर टाइम्स नाइन आपका आ जाएगा फिर इसके बाद इसमें से आप वन माइनस करेंगे नाइन 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 में से इसमें से वन माइनस करेंगे तो नाइन में से वन गया एट और नाइन 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 तो तीन नंबर क्या हो गए तीन नंबर हो गए हमारे पास ये बस मैंने सिंपली देखो ये आपको कैरी लेकर के माइनस करना बताया है टेन थाउजेंड नाइन 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 और नाइन 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 एट तो तीन होल नंबर्स बिफोर मतलब पहले वाले पहले वाले जो निकालने थे उसके लिए आपको माइनस करना था तो ये तीन आपके पास आ गए क्वेश्चन नंबर थ्री है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ज़ीरो होता है क्वेश्चन फोर है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन थर्टी टू एंड फिफ्टी थ्री तो काउंटिंग कर लो सिंपल थर्टी टू के बाद थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू तो कितने होल नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि भाई होल नंबर्स ये सारे के सारे हैं तो हमारे पास जो होल नंबर्स हैं इनके बीच में वो कितने आएंगे? वो आएंगे ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन होल नंबर्स आ जाएंगे और सारे के सारे आप लोग इस तरीके से लिख के दिखा दोगे क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट आर सक्सेसर सक्सेसर निकालने के लिए आपको ना सब में जो भी होता है क्वेश्चन उसमें वन को ऐड कर देना होता है जैसे ही आप वन ऐड करते हैं तो आपका सक्सेसर निकल आता है इसमें वन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू फोर फोर ज़ीरो सेवन ज़ीरो टू ठीक है देखो सिंपल सा मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ टू फोर फोर ज़ीरो सेवन ज़ीरो वन है इसमें आप वन ऐड करोगे तो वन प्लस वन टू ज़ीरो सेवन ज़ीरो फोर फोर टू इस तरीके से आप ऐड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा अब इसमें भी आप वन ऐड कर दो वन ज़ीरो ज़ीरो वन नाइन नाइन तो इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से अब आप क्योंकि सक्सेसर निकाल रहे हैं ना सक्सेसर निकालने के लिए ऐड करते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो वन नाइन नाइन इसमें भी वन ऐड कर दो तो नाइन प्लस वन टेन कैरी वन नाइन प्लस वन टेन कैरी वन वन प्लस वन टू ज़ीरो ज़ीरो वन तो क्या आ गया इसका सक्सेसर जब वन ऐड किया तो इसका आ गया वन डबल ज़ीरो टू डबल ज़ीरो इसमें अब इस वाले में भी वन ऐड करेंगे सक्सेसर निकालने के लिए तो यहाँ पर मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ वन ज़ीरो नाइन 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 वन ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा हो गया ten, है ना one, 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 ten, है ना तो कितनी बार हो गया एक दो तीन चार पांच तो एक दो तीन चार पांच फिर यहाँ पे कह रही गया वन वन तो ये आ जाएगा वन वन एक दो तीन चार पाँच और ये तो सिंपल सा है इसमें तो सीधा वन लग जाएगा लास्ट में टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन तो ये आपका जो है सक्सेसर आ जाएंगे सक्सेसर निकालने के लिए आपको सब में वन ऐड कर देना होता है ठीक है तो ये आ गए सक्सेस ठीक हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है प्रेडिससर प्रेडिससर के लिए आपको वन माइनस करना होता है तो नाइन्टी फोर का प्रेडिससर नाइन्टी फोर में से वन माइनस करेंगे तो सिंपल पता है हमें कि नाइन्टी थ्री आ जाएगा मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ नाइन्टी फोर में से आप वन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा नाइन्टी थ्री आ जाएगा टेन थाउजेंड में से वन माइनस करते हैं तो क्या आता है नाइन 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 है ना ये आ जाएगा इसमें से आप वन माइनस करोगे तो कर लेते हैं देखो टू जीरो एट ज़ीरो नाइन ज़ीरो में से वन माइनस होगा तो ये नाइन इधर कैरी जाएगा तो ये एट हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन टेन में से वन जाएगा तो नाइन तो ये एट ज़ीरो टू हो जाएगा टू ज़ीरो एट ज़ीरो एट नाइन ठीक है तो ये वाले जो थे देखो क्वेश्चन इसमें आपको सक्सेसर निकालना था सक्सेसर निकालने का मतलब होता है कि आपको कैरी लेना है मतलब ऐड करना है राइट right? तो सक्सेसर ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है कि यहाँ पे सेवन ज़ीरो लिख दिया है और ये वन लगाना भूल गए हैं तो ठीक है चलो बाकी सारे ठीक है अब प्रोसेसर में हम लोग करते हैं माइनस तो माइनस करके हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये देखो माइनस करके हमारा आ गया इसमें हम लोग वन माइनस करेंगे तो ये तो सिंपली हो जाएगा सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू ज़ीरो तो इस तरीके से हम लोगों का हो गया प्रेटेसर क्वेश्चन नंबर सेवन है आपको बताना है कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है कौन सा नंबर लाइन पे राइट right पे आएगा लेफ़्ट पे आएगा तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि नंबर लाइन इस तरीके से ड्रा होती है ज़ीरो से स्टार्ट होती है फिर उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव तो जब आप राइट right की तरफ ये आपका राइट हैंड साइड है ना तो राइट right की तरफ जब बढ़ते हैं आप तो आपके नंबर बढ़ते जाते हैं ठीक है तो राइट की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप प्लस करते हैं और जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आप माइनस कर रहे होते हैं तो यानी कि जो आपके नंबर लाइन पर लेफ्ट की तरफ नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं और राइट की तरफ जो नंबर होता है नंबर लाइन पर वो बड़ा होता है तो राइट वक़ की तरफ वाला नंबर बड़ा होता है लेफ्ट वाले से बड़े के आगे हम इस तरीके का साइन लगाते हैं यानी कि मुँह जिसकी तरफ खुला होता है ना वो नंबर बड़ा होता है। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है तो 503 और 5 530 और 503 इनमें इन में से कौन सा बड़ा है देखो ना 530 है ना 530 503 से बड़ा है ठीक है तो जो बड़ा होता है वो नंबर लाइन पे राइट साइड होता है और जो छोटा होता है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड होता है है ना तो स्मॉलर नंबर जो है वो लेफ्ट साइड होता है तो 503 जो है वो छोटा है 530 से इसलिए 503 छोटा है या फिर 530 बड़ा है आप कोई सा भी इनमें से एक लिख सकते हैं ठीक है इस तरीके से फर्स्ट वाला आप ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट देखो जो बी पार्ट है उसमें हमें 370 और 307 बताया गया है 307 370 से छोटा है है ना तो 370 बड़ा है और बड़ा वाला जो नंबर है वो राइट right साइड में आता है और जो छोटा है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है नंबर लाइन के ठीक है तो ये हो गया ठीक है हो गया ये आप किस तरीके से लिख देंगे अपनी नोटबुक में ऐसे करके कि थ्री ज़ीरो सेवन छोटा है तो थ्री ज़ीरो सेवन लेफ़्ट होगा नंबर लाइन और थ्री सेवनटी जो है वो राइट right में होगा अब आप एक्सप्रेशन जो है ना वो कोई सा भी एक लिख सकते हैं इस मतलब जो भी कोई सा भी एक है सिमिलर ही है दोनों की थ्री सेवेंटी जो है वो थ्री ज़ीरो सेवन से बड़ा है अब नेक्स्ट देखो ये वाला नंबर है इसमें देखो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव है और ये है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये भी पांच डिजिट हैं और ये भी पांच डिजिट हैं मगर हमें क्या दिख रहा है कि जो पांच डिजिट्स डिजिट तो सेम है बट ये वाला किससे स्टार्ट हो रहा है ये वाला नाइन से स्टार्ट हो रहा है ये वाला फाइव से स्टार्ट हो रहा है तो नाइन बड़ा है इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और जो बड़ा होता है वो नंबर लाइन पे राइट साइड होता है है ना और जो छोटा होता है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड होता है तो जो बड़ा होता है वो नंबर लाइन पे राइट right साइड होता है और जो छोटा होता है वो नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड होता है तो इस तरीके से ये आ जाएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखा जाएगा आप देखो ये ना मैं ये वाला प्रेफ़र करूँगी मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं कि आप किस ऑप्शन से लिख सकते हैं बट मैं ये वाला प्रेफर करूँगी कि इस तरीके से आप एक्सप्रेशन लिखें कि नाइन एट सेवन सिक्स फाइव इज़ ग्रेटर देन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब हम डी पार्ट देख लेते हैं डी पार्ट में हम लोगों को दो और नंबर दे रखे हैं तो ये वाले देखो कितने बड़े नंबर हैं नाइन एट थ्री ज़ीरो फोर वन फाइव और ये है वन ज़ीरो ज़ीरो टू थ्री डबल ज़ीरो वन तो हम नंबर काउंट कर लेंगे किस में ज़्यादा है इसमें कितने हैं थ्री थ्री सिक्स और सेवन है इसमें इसमें थ्री थ्री सिक्स सेवन एट इसमें आठ नंबर हैं जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं ना वो वाला बड़ा होता है है ना तो यानी कि कौन सा वाला बड़ा है ये वाला बड़ा है इसके नंबर ज़्यादा है ना तो जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं वो बड़ा होता है तो जो बड़ा होता है वो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड होता है और जो छोटा होता है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड होता है तो इस तरीके से ये आ जाएगा तो ये डी पार्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है तो जो बड़ा होता है वो नंबर लाइन पर राइट साइड आता है क्वेश्चन नंबर एट जो है वो है हमारा इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रू फॉल्स तो ज़ीरो क्या सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है तो ये फॉल्स नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है सबसे छोटा होल नंबर होता है ज़ीरो फोर हंड्रेड इज़ द प्रोडसेसर ऑफ थ्री नाइन नाइन तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 400 399 का सक्सेसर है प्रोडोसेसर के लिए तो हम 399 में से वन और माइनस करेंगे 399 का प्रोडोसेसर क्या होगा 399 का प्रोडोसेसर तो 398 होगा और ये 400 399 का सक्सेसर है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ये बिल्कुल ठीक बात है सिक्स हंड्रेड इज द सक्सेसर ऑफ फ़ाइव नाइन नाइन ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि फाइव नाइन नाइन में आप वन ऐड करोगे तो सिक्स हंड्रेड आ जाएगा इसलिए सिक्स हंड्रेड जो है वो सक्सेसर है फाइव नाइन नाइन का ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर होते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके एग्जाम में आएगी है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स क्या सारे के सारे जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये फॉल्स है क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है प्रेडिससर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट क्या प्रेडिससर प्रेडिससर होता है आगे वाला यानी कि जैसे सपोज करो टू डिजिट नंबर ट्वेंटी वन है इसका प्रेडिससर क्या होगा प्रेडिससर होता है सॉरी पीछे वाला क्या टू डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता है तो ये बात गलत है क्योंकि टू डिजिट नंबर टेन टेन का प्रोडोसेसर नाइन नाइन सिंगल डिजिट है इसलिए टू डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर सिंगल डिजिट हो सकता है इसलिए ये वाली बात फॉल्स हो जाएगी वन इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो वन का स्मॉलेस्ट होल नंबर है ये भी फॉल्स है क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ज़ीरो है नेचुरल नंबर वन हैज़ नो प्रोडोसेसर नेचुरल नंबर वन का कोई प्रोडिससर नहीं होता है तो ये बात ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर तो वन से ही स्टार्ट होता है होल नंबर वन हैज़ नो प्रोडोसेसर होल नंबर वन का कोई प्रोडिससर नहीं होता है तो ये फॉल्स है क्योंकि होल नंबर वन का प्रोडिससर ज़ीरो होता है ठीक हो गया नेक्स्ट है होल नंबर थर्टीन लाइज बिटवीन अलेवन एंड ट्वेल्व तो भैया तो फॉल्स है ना क्योंकि थर्टीन जो है वो बिटवीन अलेवेन एंड ट्वेल्व नहीं आता थर्टीन तो ट्वेल्व के बाद आता है नेक्स्ट है देखो द होल नंबर जीरो हैज़ नो प्रसर तो ये ट्रू है ज़ीरो से पहले कुछ नहीं होता सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर तो ये बात बिल्कुल देखो टू डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या हमेशा टू डिजिट नंबर होगा तो नहीं नाइन्टी नाइन में जब आप वन ऐड करोगे तो वो हंड्रेड हो जाएगा तो क्या हमेशा टू डिजिट नंबर का सक्सेसर टू डिजिट नंबर ही आएगा तो ये बात तो गलत है इसीलिए ये जो है वो हो जाएगा फॉल्स तो ये हमारी एक्सरसाइज और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच